नमस्कार दोस्तों, 8 क्लास एनसीईआरटी ज्योग्राफी का ये तीसरा चैप्टर है। हम लोगों ने मिनरल्स यानी कि खनिज के बारे में पढ़े थे, आप पावर रिसोर्सेज यानी कि शक्ति संसाधन के बारे में पढ़ेंगे। शक्ति संसाधन जो है दो तरह का होता है। एक तो क्या होता है, एक होता है परंपरागत, परंपरागत, और दूसरा क्या होता है, गैर परंपरागत, गैर परंपरागत। तो परंपरागत मतलब क्या हुआ, कन्वेंशनल और कन्वेंशनल, और गैर परंपरागत मतलब नॉन कन्वेंशनल। ठीक है, तो हम समझते हैं कि कन्वेंशनल यानी कि परंपरागत हम रिसोर्सेज हम किसको कहेंगे। ठीक है, यानी कि परंपरागत संसाधन हम किसको कहेंगे। तो परंपरागत संसाधन का ये अर्थ हुआ कि बहुत पहले से, यानी कि हमारे पहले का जो पीढ़ी है, जैसे यानी कि हमारे पूर्वज लोग क्या है उसका उपयोग करते आ रहे हैं परंपरागत का। जैसे आप देखिएगा, लकड़ी से खाना बनना आज भी गांव में क्या है, 50% से अधिक तक, अभी भी देखिएगा 50% से एवब जो है क्या है, लकड़ियों पे ही खाना बनता है। ठीक है, तो क्या है, लोग है वो क्या होता है कि कन्वेंशनल रिसोर्सेज का ज्यादा यूज करते हैं। ठीक है, लेकिन ये क्या है, अब धीरे धीरे ये समाप्त होने के कगार पर है। ठीक, क्या देखे हैं कन्वेंशनल, तो कन्वेंशनल में हम क्या देखेंगे, एक होता है आपका फ्यूल्स। ठीक है, ये ई है फ्यूल्स। ठीक है, और दूसरा आप देखिएगा क्या, फॉसिल फ्यूल्स। तो इसको समझिए कि फ्यूल्स और फॉसिल फ्यूल्स क्या है, फॉसिल फ्यूल्स क्या है। तो यानी कि फ्यूल्स ईंधन, आज भी देखिए हम क्या करते हैं, ईंधनों के रूप में हम लोग किस किस चीज का उपयोग कर रहे हैं। जैसे हम लोग लकड़ी का देख रहे हैं कि लकड़ी का उपयोग हम लोग क्या है, यानी कि फायरवुड का हम लोग क्या करते हैं, यूज करते हैं। ठीक है, जैसे गांव में आज भी देखिएगा क्या, 50% तक, या 50% से एवं 50% प्लस जो है, यानी कि 50% से ज्यादा जनसंख्या जो है किस पे, तो इसी चीज पे डिपेंडेंट है। यानी कि आज भी लकड़ी हम फ्यूल्स का काम क्या करते हैं, खाना पकाने में भी करते हैं और दूसरा हीटिंग में करते हैं। आपको जैसे इससे क्या होता है कि खाना भी बनाते हैं, क्या है, कुकिंग में आता है ये काम, तो कुकिंग। और दूसरा क्या काम आता है आपको, जैसे हीट करने के लिए, और हीटिंग में भी ये काम में आता है। यानी कि कोई चीजों को गर्म अगर करते हैं तो क्या करते हैं, इससे करते हैं। हम लोग गांव में देखते हैं ना, चूल्हे होता है और उसमें क्या करते हैं, जलावन जो है लगाते हैं और आग आग जलाते हैं, और उससे क्या करते हैं, खाना भी पकाते हैं, और हमको कोई किसी हीटिंग का काम होता है वो भी करते हैं। जैसे आप देखते होइएगा कि जैसे लोहार है, अपना लोहा जो है इसी भट्टी में क्या करता है कि क्या करता है, कोयला, कोयला का उपयोग करता है, या लकड़ियों का भी थोड़ा बहुत उपयोग करके क्या करता है, भट्टी जिसको बोलते हैं, भट्टी को जलाता है, और उसमें क्या है, तरह तरह का जो है उपकरण, यानी कि आपको लोहे से जैसे तरह तरह के औजार तैयार किए जाते हैं। तो ये आपका कन्वेंशनल है। और फॉसिल फ्यूल्स समझते हैं कि फॉसिल फ्यूल्स क्या है, इसको जीवाश्म ईंधन कहते हैं। तो जीवाश्म ईंधन क्या हुआ कि जैसे मान लेते हैं, हम लोग जानते हैं कि अर्थ क्या है, अब बहुत सारे रॉक से मिलकर के, बहुत सारे चट्टान से मिलकर के बना हुआ है। तो आप अर्थ पे क्या है, अर्थ पे पेड़ पौधा है, जानवर है, फ्लोरा फ्यूना ये सब है। तो क्या होता है कि कुछ समय बाद इनका क्या होता है, जब डेड हो जाता है यानी कि ये लोग मर जाते हैं, तो मर जाने के बाद जैसे आप इमेजिन कीजिए कि आप जहां पे है वहां पे न जाने कितना जो है यहाँ पे कल्चर जो है डेवलप हुआ होगा, और इस पे क्या होता है, परत बाई परत बनने लगता है। तो जैसे धरती के अंदर, अर्थ के इनर पार्ट में, धरती के अंदर देखिएगा क्या कि आपका पेड़ पौधा हो या जानवर हो, वो क्या करता है कि बहुत साल तक जो है अंदर दब जाता है। तो दबने के बाद क्या होता है, आपको फॉसिल फ्यूल्स का यानी कि जीवाश्म ईंधन का, जीवाश्म ईंधन का क्या है, निर्माण होता है। ठीक है, आगे हम देखते हैं। देखिए पहले शक्ति के बारे में जानते हैं। शक्ति अथवा ऊर्जा हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका क्या है, निभाता है। ठीक है, जैसे हमें उद्योगों के लिए क्या है, उद्योग, कृषि, परिवहन, संचार और प्रतिरक्षा के लिए क्या है, शक्ति की आवश्यकता है। आप यानी पहले भी रेल इंजन जो चलता था कोयले से चलता था, कि सिर्फ और सिर्फ क्या है, इलेक्ट्रिसिटी से हम लोग क्या है ट्रेन जो है पटरियों पर दौड़ा रहे हैं। तो देखिए, द पावर ऑफ एनर्जी प्लेज ए वाइटल रोल इन आवर लाइफ। ठीक है,
वी ऑल्सो नीड पावर फॉर इंडस्ट्रीज, एग्रीकल्चर, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन एंड डिफेंस। तो इस सब चीज में क्या है, आपको शक्ति का अथवा ऊर्जा का बहुत ही जरूरत है। ठीक है, ऊर्जा संसाधनों को विस्तृत रूप से क्या है, परंपरागत और गैर परंपरागत, यानी कि कन्वेंशनल और नॉन कन्वेंशनल में क्या है, कैटेगराइज किया गया है। तो परंपरागत क्या है, ऊर्जा के परंपरागत स्रोत वे है जो लंबे समय से सामान्य उपयोग में लाया जा रहा है। मतलब क्या है, हमने क्या समझाया कि हमारे जो भी पूर्वज है वो भी उसका उपयोग कर रहे हैं, और हमारे पहले वाले पीढ़ी भी, और आज हम लोग भी क्या है, इसका उपयोग जो है करते आ रहे हैं। ठीक है, ईंधन और जीवाश्मी ईंधन परंपरागत ऊर्जा के दो मुख्य स्रोत है। तो वही जीवाश्मी ईंधन मतलब फॉसिल फ्यूल्स हो गया, और ईंधन ईंधन क्या हुआ कि आपका फायरवुड हो गया। ठीक है, तो हम लोगों ने इसको देखा है। तो देखिए, कन्वेंशनल सोर्सेज, कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी आर दोज व्हिच हैव बीन इन कॉमन यूज फॉर ए लॉन्ग टाइम। हम लोग क्या है, सामान्य यूज जो है बहुत पहले से, लॉन्ग टाइम से हम लोग करते आ रहे हैं। तो फायरवुड एंड फॉसिल फ्यूल्स आर द टू मेन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज। तो आपको ये समझ में आया होगा। अब देखिए, हम लोगों ने क्या देखा कि हम लोगों ने देखा कि जैसे फ्यूल्स में हम लोग देखे हैं, और फ्यूल्स देखे हैं और फॉसिल फ्यूल्स देखे हैं, यानी कि एक ईंधन देखे हैं और दूसरा क्या देखे हैं, जीवाश्म ईंधन देखे हैं, फॉसिल फ्यूल्स। तो आप फॉसिल फ्यूल्स में आप देखिए इसको क्या है, कोयला बहुत आया था। देखिए कोयला क्या है, कोयला कैसे बनता है, जैसे मान लेते हैं कि पेड़ पौधा क्या है, अर्थ में बहुत समय तक दबा हुआ रहता है, साधारण भाषा में समझ लीजिए। तो उसके बाद क्या होता है, यानी कि मिलियंस ऑफ ईयर जो है अर्थ में दबा हुआ रहता है, उसके बाद क्या होता है, धीरे धीरे वुड क्या है, वो लकड़ी जो है, जो भी वृक्ष जो है वो किस चीज में तब्दील हो जाता है, तो आपको कोयले में चेंज हो जाता है। देखिए कोयला बहुत बड़ी मात्रा में, आज देखिए बिजली का उत्पादन आज भी बहुत ज्यादा किस चीज पर डिपेंडेंट है, तो कोयले पे। तो कोल का जो है बहुत ही महत्वपूर्ण रोल है। आज भी देखिएगा कि कोयले को क्या है, कोयले जैसे खाना पकाने में भी आज भी यूज होता है कोयले का बहुत बड़ी मात्रा में। ठीक है, तो ये धीरे धीरे क्या है, ये धीरे धीरे आपका, ये आपका कन्वेंशनल जो सोर्स है, यानी कि आपका परंपरागत जो संसाधन है, वो धीरे धीरे हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग इतना ज्यादा यूज कर रहे हैं कि उसका आज खत्म होने के कगार पर आ गया है। तो देखिए कोयला एक बहुतायत में पाया जाने वाला जीवाश्मी ईंधन है, क्या है, जीवाश्मी ईंधन है, यानी कि फॉसिल फ्यूल्स है। इसका उपयोग घरेलू ईंधन, घर में खाना पकाने के लिए, और उद्योग जैसे लोहा, लोहा इस्पात, देखिए लोहा जहां आयरन इंडस्ट्रीज है वहां पे बहुत ज्यादा मात्रा में क्या है, कोयला का उपयोग होता है। वाष्प इंजनों और विद्युत उत्पन्न करने में किया जाता है। तो ठीक है, आज भी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए हम कोयले पे बहुत हद तक डिपेंडेंट है। ठीक है, दिस इज द मोस्ट एविडेंटली फाउंड फॉसिल फ्यूल्स। ठीक है, इट इज यूज एज ए डोमेस्टिक फ्यूल्स इन इंडस्ट्रीज सच एज आयरन एंड स्टील, अच्छा, स्टीम इंजन एंड जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। तो ये सब हम क्या करते हैं, जैसे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने में, या वाष्प इंजनों को चलाने में, या विद्युत उत्पन्न करने में, घरों में खाना पकाने में हम क्या करते हैं, कोयले का उपयोग करते हैं। कोयले से प्राप्त विद्युत को हम क्या कहते हैं, तापीय ऊर्जा कहते हैं। देखिए ये सब डायरेक्ट आपका पूछ लेता है, बीपीएससी का एग्जाम होने वाला है, या आपका जो भी स्टेट पीसीएस एग्जाम होने वाला है, या यूपीएससी होने वाला है। तो आपको की पॉइंट पे ध्यान देना है कि कोयले से प्राप्त विद्युत को हम क्या कहते हैं, तो तापीय ऊर्जा कहते हैं, या इसको थर्मल पावर, थर्मल पावर देखते हैं, एनटीपीसी, नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन। तो आपको तो इसको क्या समझिएगा कि कोयले से क्या है कि वो इंडस्ट्रीज को चलाया जा रहा है, यानी कि बिजली उपयोग किया जा रहा है, तो उसको हम क्या कहते हैं, थर्मल पावर कहते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम कोल इज कॉल्ड थर्मल पावर। विश्व में अग्रणी कोयला उत्पादक देशों में कौन कौन है, सबसे ज्यादा कोयला उत्पादक देश कौन कौन सा है, तो चाइना है, संयुक्त राज्य अमेरिका है, ठीक है, जर्मनी, रूस, दक्षिण अफ्रीका और फ्रांस है। द लीडिंग कोल प्रोड्यूसर्स ऑफ द वर्ल्ड आर चाइना। देखिए क्या है, सबसे बड़ा लीडिंग प्रोड्यूसर्स कौन है, चाइना है।
फिर दूसरा कौन है, यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, जर्मनी, रसिया, साउथ अफ्रीका एंड फ्रांस। इसको आप देखिए भारत के, ठीक है, कोयला उत्पादक क्षेत्र कौन कौन सा है वो देखिए, ये बिल्कुल याद रखिए, कारण कि ये डायरेक्ट आपके एग्जामिनेशन में पूछ लेता है। रानीगंज है तथा झरिया है, झरिया धनबाद बोकारो झारखंड में है, ठीक है, तो इस सब जगह पे क्या है आपको कोयला मिलता है। द कोल प्रोड्यूसिंग एरिया ऑफ इंडिया, रानीगंज, झरिया, धनबाद एंड बोकारो इन झारखंड, ठीक है, तो इस सब में क्या है आपको कोयला मिलता है। पेट्रोलियम, आप पेट्रोलियम के बारे में थोड़ा समझिए, पेट्रोलियम क्या है, तो पेट्रोलियम से क्या होता है, पेट्रोलियम जिससे आपकी कार चलती है और तेल जो आपकी साइकिल को चरमानंद से रुकती है, देखते हैं, तो पेट्रोलियम दोनों की शुरुआत गाढ़े काले द्रव से होती है जिसे पेट्रोलियम कहते हैं। पेट्रोलियम क्या है कि अर्थ से जैसे हम पेट्रोलियम को निकालते हैं, तो पेट्रोलियम में सिर्फ पेट्रोल ही नहीं होता है, पेट्रोलियम में क्या होता है, जैसे पेट्रोलियम में आपको डीजल होता है और क्या है, पेट्रोल, किरोसिन, ठीक है, मिट्टी तेल, अच्छा इसके अलावा भी आपका क्या है, मोम बनता है, इसी से मोम बनता है, ठीक है, तो मोम भी बनता है, और प्लास्टिक, यहां तक कि आप प्लास्टिक देखते हैं तो प्लास्टिक भी इसी पेट्रोलियम से ही तैयार किया जाता है। और क्या तैयार किया जाता है, तो आपको आपको स्नेहक भी इससे तैयार किया जाता है, यानी कि लुब्रिकेंट भी तैयार किया जाता है, एल लिखते हैं लुब्रिकेंट। तो देखिए डीजल, पेट्रोल, किरोसिन, मोम, प्लास्टिक और लुब्रिकेंट भी तैयार किया जाता है, तो इस सबको सम्मिलित रूप से हम क्या कहेंगे, पेट्रोलियम कहते हैं। तो समझ में आया होगा, पेट्रोलियम सिर्फ पेट्रोल ही पेट्रोलियम नहीं होता है, ठीक है। देखिए यस्टाइल की परतों में के मध्य पाया जाता है और इसका वेधन अपतटीय व तटीय क्षेत्रों में स्थित तेल क्षेत्र, अच्छा यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक है, तटीय और अपतटीय क्षेत्र क्या है, शोर एंड कोस्टल एरिया जो होता है वो, ठीक है, क्षेत्रों में किया जाता है। तदुपरांत इसके परिष्करण शाला भेजा जाता है, इसको क्या किया जाता है, परिष्करण शाला भेजा जाता है, मतलब क्या है, यानी कि रिफाइनरी जो है जहां रिफाइन होता है वहां पे भेजा जाता है। यहाँ अपरिष्कृत पेट्रोल, यानी कि अपरिष्कृत पेट्रोल मतलब क्रूड ऑयल, इसको मतलब आपको क्रूड ऑयल जो होता है, कच्चा तेल, क्रूड ऑयल, उसको हम क्या कहते हैं, हिंदी बहुत टफ है, अपरिष्कृत तेल, ठीक है, अपरिष्कृत तेल, यानी कि कच्चा तेल भी इसको हम कहते हैं, कच्चा तेल कहिए, कच्चा तेल के प्रक्रमण से विभिन्न तरह के उत्पाद जैसे डीजल, पेट्रोल, मिट्टी का तेल, मोम, प्लास्टिक तैयार किए जाते हैं। तो ये देखिए सबसे पहले क्या है कि हम क्या करते हैं कि ये शैल परतों के बीच में पाया जाता है, कहाँ पाया जाता है, इट इज फाउंड बिटवीन द लेयर ऑफ रॉक्स एंड ड्रिल फ्रॉम ऑयल फील्ड लोकेटेड इन शोर एंड कोस्टल एरिया। तो देख रहे हैं कि आपको कहां कहां तटीय व अपतटीय क्षेत्रों में पाया जाता है, दिस इज देन सेंट टू रिफाइनरीज, तो रिफाइनरीज का यहां परिष्करण शाला, ठीक है, इसको हिंदी देखिए कितना टफ है, तो रिफाइनरीज में भेजा जाता है रिफाइन करने के लिए, विच प्रोसेस द क्रूड ऑयल, यानी कि कच्चा तेल के लिए क्या उपयोग किया गया है, अपरिष्कृत तेल। देखिए यूपीएससी में इसी तरह जो है गूगल ट्रांसलेट भी दे देता है बहुत सारा, एंड प्रोड्यूस ए वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स लाइक डीजल, पेट्रोल, किरोसिन, वैक्स, प्लास्टिक एंड लुब्रिकेंट, तो ये सब जो है आपको इससे मिलता है। इससे बने उत्पादों को क्या कहा जाता है, काला सोना कहा जाता है। क्यों काला सोना कहा जाता है, कि ये बहुत अधिक मूल्यवान होता है, बहुत महंगा होता है, बहुत ज्यादा जो है मूल्यवान होता है, इसलिए इसको काला सोना कहा जाता है। पेट्रोलियम को क्या कहा जाता है, काला सोना। पेट्रोलियम एंड इट्स, ठीक है, डेरिवेटिव्स आर कॉल्ड ब्लैक गोल्ड, ठीक है, दे आर वेरी वैल्युएबल, क्या है, बहुत ही मूल्यवान होता है। मुख्य उत्पादक देश कौन कौन सा है इसको देखिए फटाफट, ईरान, इराक, सऊदी अरब, गल्फ कंट्रीज में तो तेल मिलता ही, अरब और कतर, ठीक है, तो ये सब देखिएगा। अन्य मुख्य उत्पादक संयुक्त राज्य अमेरिका, ठीक है, रूस, वेनेजुएला, अल्जीरिया,
और भारत में देखिए, भारत के क्षेत्र में असम के डिगबोई, असम में क्या है डिगबोई, मुंबई में बॉम्बे हाई तथा कृष्णा और गोदावरी नदियों के डेल्टा में पाया जाता है। द चीप पेट्रोलियम प्रोड्यूसिंग कंट्रीज आर ईरान, इराक, सऊदी अरबिया एंड कतर। द अदर मेजर प्रोड्यूसर्स आर यूएसए, रसिया, वेनेजुएला, अल्जीरिया, ये सब जो है ठीक है। द लीडिंग प्रोड्यूसर्स इन इंडिया में देखिए, डिगबोई इन आसाम ठीक है, बॉम्बे हाई इन मुंबई एंड द डेल्टा ऑफ कृष्णा एंड गोदावरी रिवर्स। तो इसको समझने वाला बहुत ज्यादा कुछ है नहीं, तो इसलिए इसको फटाफट देख ले रहे हैं। प्राकृतिक गैस यानी कि नेचुरल गैस क्या है कि प्राकृतिक गैस पेट्रोलियम निक्षेप, देखिए जैसे पेट्रोल निकलता है तो पेट्रोल के निक्षेपों में क्या है आपको क्या पाया जाता है कि आपको नेचुरल गैस आपको पाया जाता है ठीक है। पेट्रोलियम डिपोजिट्स में इसको यानी कि पेट्रोल के निक्षेपों में, पेट्रोलियम डिपोजिट्स में क्या है आपको क्या पाया जाता है, तो आपको नेचुरल गैस पाई जाती है। पेट्रोलियम निकालते हैं और पेट्रोलियम के साथ साथ क्या पाया जाता है आपको, उसके जो निक्षेप होते हैं यानी कि उसके जो भी डिपोजिट्स है तो उससे नेचुरल गैस भी निकाला जाता है। तो देखिए प्राकृतिक गैस पेट्रोलियम निक्षेपों के साथ पाई जाती है और तब निर्मुक्त होती है, ये निर्मुक्त मतलब रिलीज होती है जब अपरिष्कृत तेल यानी कि क्रूड ऑयल को धरातल पर जब लाया जाता है, कच्चा तेल को, जैसे हम पेट्रोलियम को निकाले ठीक है, यानी कि कच्चा तेल को जब हम बाहर हम निकालते हैं तो, और उसको क्या है जब अर्थ सरफेस पर जब लाते हैं तो इसका तो क्या होता है हमको उसके साथ जो है नेचुरल गैस भी उसके निक्षेप में हमको मिलता है। इसका प्रयोग घरेलू और वाणिज्यिक ईंधनों के रूप में किया जाता है। कहने का अर्थ क्या है कि आपको डोमेस्टिक यूज भी इसका होता है और इंडस्ट्रियल फ्यूल के रूप में भी इसका, यानी कि वाणिज्यिक ईंधन इंडस्ट्रियल फ्यूल में भी, फ्यूल के रूप में भी इसका उपयोग किया जाता है ठीक है। नेचुरल गैस इज फाउंड विद पेट्रोलियम डिपोजिट्स एंड इट रिलीज्ड When crude oil is brought to the क्या है सरफेस ठीक है, हम लोग क्या करते हैं जब सरफेस पे लाते हैं, इट कैन बी यूज एज ए डोमेस्टिक एंड इंडस्ट्रियल फ्यूल ठीक है। आपको पेट्रोलियम तो रूस, नॉर्वे, सॉरी नेचुरल गैस आपको कहाँ कहाँ मिलता है, तो रूस में मिलता है, नॉर्वे में मिलता है, यूके, यूनाइटेड किंगडम, नीदरलैंड में प्राकृतिक गैस का ये सब क्या है प्रमुख उत्पादक कंट्रीज है। तो आपको पूछ देगा कि विश्व के प्रमुख गैस उत्पादक कंट्री कौन कौन सा है, देश कौन कौन सा है, तो रूस, नॉर्वे, यूके, नीदरलैंड है ठीक है। और भारत में देखिए, भारत में क्या है, जैसलमेर है, कृष्णा गोदावरी डेल्टा, त्रिपुरा और मुंबई के अपतटीय क्षेत्रों में क्या है प्राकृतिक गैस पाई जाती है। तो कहने का अर्थ क्या है, पेट्रोलियम जहां पे मिलता है उसके निक्षेप के साथ साथ भी ये मिल जाता है देखिए, लेकिन ये हर जगह देखिए, नॉर्वे, यूके एंड द नीदरलैंड्स आर द मेजर प्रोड्यूसर्स ऑफ नेचुरल गैस। इन इंडिया में क्या है, जैसलमेर, कृष्णा गोदावरी डेल्टा, त्रिपुरा एंड सम एरियाज ऑफशोर इन मुंबई है नेचुरल गैस रिसोर्सेज ठीक है। ताकि विश्व के बहुत कम देशों के पास प्राकृतिक गैस के भंडार है, देखिए ये भी आपको यानी कि स्टेटमेंट के रूप में पूछ लेता है कि विश्व के बहुत सारे देशों में क्या है नेचुरल गैस नहीं पाया जाता है ठीक है, लेकिन हमारा भारत बहुत ही सौभाग्यशाली है जो यहाँ भी थोड़ा बहुत मात्रा में क्या है आपको पाई जाती है। तो नेचुरल गैस क्या है, वेरी फ्यू कंट्री इन द वर्ल्ड हैव सफिशिएंट नेचुरल गैस रिजर्व ऑफ देयर ओन, क्या है विश्व के बहुत कम देशों में क्या है प्राकृतिक गैस के पर्याप्त भंडार है। अब देखिए हाइडल पावर यानी कि कहने का अर्थ क्या है, जल विद्युत यानी कि क्या है ठीक है। वन ऑफ फोर देखिए, सबसे पहले क्या करते हैं कि ये कहाँ बनाया जाता है, जहां जैसे बारिश है, बारिश हो रहा है ठीक है, या नदियों के जल के द्वारा क्या है कि एक जगह पर क्या करते हैं जल का भंडारण करते हैं, जल को क्या करते हैं रिजर्व करते हैं ठीक है, और उस जल में क्या करते हैं हम एक पाइप के द्वारा क्या करते हैं, जैसे ऊंचे जगह पर हम क्या करते हैं ये हम करते हैं ठीक है। जैसे देखिएगा आप प्रदेश फिल्म भी देखे होइएगा, तो उसमें जैसे पहाड़ी इलाका है ठीक है,
ये सब में देखिएगा कि ये सब, तो जैसे एक जगह जहां से पानी आ रहा है ठीक है, उस पानी को क्या करते हैं एक जगह हम इकट्ठा करते हैं और उसमें क्या करते हैं पाइप के द्वारा ऊपर से नीचे की तरफ, तो ढाल से जब पानी नीचे आती है तो काफी स्पीड में रहती है। और ये क्या है टरबाइन है, इस टरबाइन को क्या है जनरेटर यहाँ पे, तो इस पे क्या होता है इसके ब्लेड पे क्या है पानी बहुत तेजी से धक्का देता है जिससे ये नाचना शुरू करता है यानी कि रोटेट होना शुरू होता है, जिससे ये जनरेटर लगा हुआ था, इस जनरेटर से क्या होता है कि आपको इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होता है, देख रहे हैं ठीक है। और जो पानी बचता है वो जो है खेतों में भी उपयोग होता है, तो ये बहुत अच्छा ही सोर्स है। तो अभी देखिए 1/4 जो है इलेक्ट्रिसिटी इससे जनरेट हो रहा है पूरे वर्ल्ड में, ठीक है। देखिए 1/4 ऑफ द वर्ल्ड इलेक्ट्रिसिटी इज प्रोड्यूस्ड बाई हाइडल पावर, जल विद्युत के द्वारा क्या है 1/4 पूरे विश्व में बिजली का उत्पादन किया जा रहा है। द लीडिंग प्रोड्यूसर्स ऑफ हाइडल पावर इन द वर्ल्ड आर कौन है, पराग्वे, नॉर्वे, ब्राजील एंड चाइना, ये सब क्या है यानी कि हाइडल पावर प्रोड्यूसर्स कंट्री सब है ठीक है। सम इंपोर्टेंट हाइडल पावर स्टेशन इन इंडिया, इंडिया में कहाँ है तो वक्रा नांगल, गांधी सागर, नागार्जुन सागर एंड दामोदर वैली प्रोजेक्ट, यहाँ पे क्या है हाइडल पावर है यानी कि जल विद्युत केंद्र है। नॉर्वे वाज द फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड टू डेवलप हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है वही होगा। तो सबसे पहले नॉर्वे क्या हुआ कि वर्ल्ड में सबसे पहले जो है ये डेवलप किया यानी कि हाइडल पावर को, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए। द साइट ऑफ द वर्ल्ड फर्स्ट सोलर एंड विंड पावर्ड बस शेल्टर इन स्कॉटलैंड, और विंड पावर से यानी कि विंड एनर्जी से हम क्या सबसे पहले कौन किया तो स्कॉटलैंड किया। अब देखिए आप तो कन्वेंशनल में देख लिए यानी कि परंपरागत ऊर्जा के स्रोत में देख लिए, ऊर्जा संसाधन देख लिए, अब गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोत भी आप देखिए। जैसे नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज क्या है, जैसे आपका सोलर एनर्जी है, विंड एनर्जी है या टाइडल एनर्जी है ठीक है। यानी सोलर एनर्जी मतलब सौर ऊर्जा जो सोलर प्लेट के द्वारा जो है आज हर घर में देखिएगा, अब धीरे धीरे सोलर प्लेट जो आ गया है। अच्छा विंड एनर्जी जो है या आपका विंड एनर्जी मतलब पवन ऊर्जा के द्वारा, और आपको टाइडल एनर्जी यानी कि ज्वारीय ऊर्जा, इसको हम देखेंगे ये क्या है रिन्यूएबल है। रिन्यूएबल मतलब क्या है कि ये बहुत बड़ी मात्रा में जिसको हम आसानी से प्राप्त कर सकते हैं, और नॉन रिन्यूएबल आप पिछले लेक्चर को देखिएगा काफी आपको स्पष्ट होगा। तो वो क्या है कि तैयार होने में क्या है मिलियंस ऑफ ईयर लगता है, बहुत ज्यादा समय लगता है ठीक है। तो इसलिए आपको रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल में आप डिफरेंस देखिए। अब देखिए सोलर एनर्जी, अब इसमें देखिए क्या है ये सोलर प्लेट है, इसे क्या है जहां सनलाइट यहाँ पे आया और सनलाइट यहाँ पे जब पड़ता है तो ये सनलाइट को क्या करता है ट्रैप कर लेता है, मतलब अपने तरफ खींच लेता है और उसके द्वारा क्या है इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होता है, इसको हम देखते हैं। और ये किस एरिया में होगा तो सबसे पहले आप देखिए ये आपका ये 0 डिग्री है जिसको हम इक्वेटर कहते हैं यानी कि भूमध्य रेखा कहते हैं या विषुवत रेखा कहते हैं, और ये आपका ऊपर 23.5 डिग्री है, 23.5 डिग्री जिसको ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यानी कि कर्क रेखा कहते हैं, और 23.5 डिग्री आपको क्या करेंगे साउथ में जाएंगे जिसको हम ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न कहते हैं ठीक है। और इस क्षेत्र को हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं क्या ट्रॉपिकल जोन या टोरिड जोन, टोरिड जोन कहिए या ट्रॉपिकल जोन कहिए, कहने का अर्थ क्या है कि इसको हम हिंदी में कहते हैं उष्णकटिबंधीय क्षेत्र, जहां पे सन कलाइट क्या है यहाँ पे सबसे ज्यादा सन कलाइट आपको इसी क्षेत्र में मिलता है यानी कि कर्क रेखा और मकर रेखा के ये पूरे क्षेत्र में क्या है आपको सबसे ज्यादा सूर्य की रोशनी प्राप्त होती है। ये समझाने के पीछे कारण क्या है कि सोलर एनर्जी जो है ऐसे एरिया में ही ज्यादा होगा, ऐसे जगह पे ही होगा। लेकिन मान लेते हैं अगर नॉर्थ पोल पर अगर जाते हैं या साउथ पोल पर यानी कि आप पोलर रीजन में जाते हैं तो क्या है सनकलाइट तो आपको मिलता नहीं है, बहुत कम मिलता है, मिलता भी है तो वहां पे ये नहीं हो पाएगा यानी कि सोलर एनर्जी हम कहाँ यूज करेंगे, तो आपको
ट्रॉपिकल जोन में या टोरिड जोन में करेंगे। देखिए, सोलर एनर्जी ट्रैप फ्रॉम द सन कैन बी यूज इन सोलर सेल। क्या करता है कि ये सन है, अगर इसको पहले इरेज करते हैं, ये सन है तो सन का लाइट है। अब ये सन का लाइट क्या है, इस पे इस सेल पे पड़ रहा है, ये सोलर पैनल भी इसको बोलते हैं। सोलर एनर्जी ट्रैप फ्रॉम द सन कैन बी यूज इन सोलर सेल टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। और क्या करता है, ये सन के लाइट को ट्रैप करता है। मेनी ऑफ दीज सेल्स आर ज्वाइंट इनटू सोलर पैनल। अब क्या है, ये सोलर पैनल से क्या है कि ज्वाइंट रहता है टू जनरेट पावर फॉर हीटिंग एंड लाइटिंग पर्पस। हम लोग क्या करते हैं, इसका उपयोग क्या करते हैं, लाइटिंग के लिए, और क्या करते हैं, और हीट करने के लिए, यानी कि हीटिंग के लिए भी हम करते हैं। जैसे आप सीडी में ज्यादा करके देखिएगा कि इसी से जो है खाना भी बन रहा है, श्रद्धालु लोग जो है इसी के द्वारा बनाए हुए भोजन को ग्रहण करते हैं। समझ में आया? तो सबसे पहले आप सोलर एनर्जी देखिए। देखिए सोलर एनर्जी से क्या है, सोलर एनर्जी इज ऑल्सो यूज इन सोलर हीटर, सोलर हीटर, सोलर कुकर, सोलर ड्रायर। अच्छा, बिसाइड्स बींग यूज फॉर कम्युनिटी लाइट, यानी कि सामुदायिक सामुदायिक जो लाइट होता है, सामुदायिक जगह पे जो है लाइट जो है जलाया जाता है, वहां भी जैसे गांव में देखिएगा चौराहे पे आप देखिएगा, तो इसमें क्या है कि आपको सोलर एनर्जी के द्वारा, यानी कि सोलर पैनल लगा हुआ रहता है जिससे बिजली आपको उत्पादन होता है। एंड ट्रैफिक सिग्नल, ट्रैफिक सिग्नल के लिए भी इसका यूज हो रहा है, यानी कि सोलर एनर्जी का यूज हो रहा है। अब विंड एनर्जी, यानी कि पवन ऊर्जा के, देखिए पवन ऊर्जा में क्या है, क्या होता है कि यहाँ पे देखिए, जैसे जहां पे ज्यादा क्या है, यहाँ पे तो हवा चाहिए, हवा थोड़ा तेज चाहिए, विंड जो है ब्लोइंग अगर धीरे होगा उस क्षेत्र में ये काम नहीं करता है। जहां पे विंड जो है काफी अच्छा से चलता है, तो कहाँ पे आपको एक दो देखिएगा जहां माउंटेन पास है, ठीक है, पर्वतीय दर्रे है, यानी कि जहां पे माउंटेन एरिया है वहां पे, और दूसरा क्या है कोस्टल एरिया में देखिएगा क्या है, बहुत ज्यादा जो है हवा जो है विंड जो है ब्लो होती है, ठीक है, और बहुत स्टेडी रहती है, यानी कि बहुत अस्थिरता से जो है बिल्कुल एकदम बहते रहती है, एक लगातार विंग में बहती है, जिससे क्या होता है, जैसे ये हवा के द्वारा ये मतलब पंखे पे क्या होता है, यानी कि इस ब्लेड पे पड़ता है, और ये क्या होता है खूब तेजी से रोटेट होता है। और यहाँ पे देखिएगा क्या, ये पूरा पिक्चर नहीं, यहाँ पे एक जनरेटर लगा हुआ रहता है, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए, ठीक है, और उससे क्या होता है ये वायर से पूरा जुड़ा हुआ रहता है, जिससे क्या होता है विद्युत उत्पन्न होता है। पवन चक्कियों में तीव्र गति से चलने वाली हवा ये पवन चक्की को क्या करते है, घुमाती है, जो विद्युत उत्पादन करने के लिए जनरेटर से जुड़ी होती है, ठीक है, जनरेटर जो नीचे दिखा है वो। और पवन चक्कियों के समूह से युक्त पवन फार्म तटीय, तटीय मतलब कोस्टल एरिया में, और पर्वत घाटियों, यानी कि आपको माउंटेन पासेज में जहां प्रबल और लगातार हवाएं चलती है वहां स्थित है पवन फार्म। नीदरलैंड, कहां कहां पवन फार्म है, जर्मनी, डेनमार्क, यूके, यूएसए, स्पेन में पाए जाते हैं, जो पवन ऊर्जा उत्पादन में उल्लेखनीय है। तो आपको समझ में आया। अच्छा, विंड मिल्स, द हाई स्पीड विंड रोटेट द विंड मिल्स व्हिच इज कनेक्टेड टू जनरेटर टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। विंड फार्म्स हैविंग क्लस्टर्स ऑफ सच विंड मिल्स आर लोकेटेड इन कोस्टल रीजन, ठीक है, तो कोस्टल रीजन मतलब तटीय क्षेत्रों में, एंड माउंटेन पासेज, तो माउंटेन पासेज कहां, जहां पर्वत घाटी है, पर्वत घाटी जो है जहां पे बड़ा तेजी से हवा चलता है। अच्छा, वेयर स्ट्रॉन्ग एंड स्टेडी फार्म हैव क्लस्टर सॉरी स्टेडी विंड ब्लो, ठीक है, विंड फार्म आर फाउंड इन कहां कहां है, नीदरलैंड, जर्मनी, डेनमार्क, यूके, यूएसए, स्पेन, ठीक है, नोटेड फॉर देयर विंड एनर्जी प्रोडक्शन। ये सब क्या है आपके मतलब पवन ऊर्जा उत्पादक कंट्री सब है, तो इसको तो देख लिए। अब देखिए परमाणु ऊर्जा के बारे में, देखिए परमाणु ऊर्जा क्या है, प्राकृतिक तौर से प्राप्त रेडियो सक्रिय पदार्थ क्या होता है, ये तो नेचुरल फॉर्म में पाया जाता है, आपको नेचुरली आपको पाया जाता है ये रेडियो सक्रिय जो भी सब्सटेंस है पदार्थ है, जैसे यूरेनियम
है और थोरियम है। यूरेनियम और थोरियम के परमाणुओं के केंद्रक में संग्रहित ऊर्जा, यानी कि यूरेनियम है और थोरियम के केंद्र में जो है, सेंटर में, न्यूक्लियाई में क्या है, संग्रहित ऊर्जा होती है। ये पदार्थ नाभिकीय रिएक्टरों में नाभिक विखंडन द्वारा गुजारते हैं और उत्सर्जन की प्राप्ति होती है और ऊर्जा उत्सर्जित होता है। ठीक है, तो याद रखिएगा यूरेनियम है और थोरियम है। ठीक है, देखिए न्यूक्लियर पावर, तो परमाणु ऊर्जा के सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है? संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोप। ठीक है, द ग्रेटेस्ट प्रोड्यूसर्स ऑफ न्यूक्लियर पावर यूएसए एंड यूरोप। ठीक है, भारत में कहां कहां है? राजस्थान, झारखंड के पास यूरेनियम थोरियम का विशाल निक्षेप है। ठीक है, थोरियम विशाल मात्रा में केरल के मोनोजाइट बालू में पाए जाते हैं। भारत में स्थित परमाणु ऊर्जा के केंद्र कहां है? तमिलनाडु के कलपकम। ठीक है, महाराष्ट्र में तारापुर, राजस्थान में कोटा के निकट क्या है? राणा प्रताप सागर, उत्तर प्रदेश में नरोना और कर्नाटक में कैगा। ठीक है, इन इंडिया राजस्थान एंड झारखंड हैव लार्ज डिपोजिट्स ऑफ यूरेनियम। ठीक है, थोरियम इज फाउंड इन लार्ज क्वांटिटीज इन इन मोनेजाइट सैंड्स ऑफ केरला। ठीक है, राजस्थान में क्या है? मोनोजाइट बालू। ठीक है, मोनोजाइट सैंड इन केरला ऑफ केरला। द न्यूक्लियर पावर स्टेशन इन इंडिया लोकेटेड इन कलपकम इन तमिलनाडु। ठीक है, अच्छा, तारापुर इन महाराष्ट्र, राणा प्रताप सागर नियर कोटा इन राजस्थान, नरोरा इन उत्तर प्रदेश में, जो नरोरा पड़ता है वहां, एंड कैगा कहां? तो आपको कर्नाटका में। ठीक है, अब देखिए भूतापीय ऊर्जा, हम भूतापीय ऊर्जा से ये समझते हैं कि वो ऊर्जा जो भूमि से प्राप्त हो रहा है, यानी कि अर्थ सरफेस में क्या होता है कि अर्थ सरफेस से प्राप्त हो रहा है। हम ये जानते हैं कि जैसे जैसे हम अर्थ सरफेस में जाते हैं, यानी कि अर्थ के अंदर जाते हैं, तो क्या होता है? एक तो देखिएगा टेम्परेचर जो है बहुत बढ़ने लगता है अंदर जाते हैं, तो जैसे जैसे अंदर जाते हैं टेम्परेचर बढ़ने लगे, और टेम्परेचर के साथ साथ क्या है, प्रेशर भी बढ़ना शुरू होता है। प्रेशर यानी कि दाब भी, टेम्परेचर ताप हुआ और प्रेशर दाब हुआ। ठीक है, तो टेम्परेचर यानी कि तापमान के बढ़ने से क्या है, यानी कि दाब भी क्या होता है, बढ़ना शुरू हो जाता है, जिससे क्या है, जैसे यहाँ जैसे पानी है, तो ये पानी क्या होता है, गर्म होकर के क्या है, अर्थ सरफेस से बाहर जो है वो फवारे के रूप में निकलता है, और उससे क्या करते हैं, जैसे उसमें क्या करते हैं कि पाइप के द्वारा हम क्या करते हैं, उसको हम ऊर्जा उत्पादन के रूप में लाते हैं। ठीक है, तो भूमि से जो है निकलता है, जैसे कुआं है, और ये जल गर्म हुआ और उससे क्या होता है कि ये पाइप के द्वारा जो है आपको इस टर्बाइन पे क्या है, बहुत तेजी से क्या है, टर्बाइन जो है घूमना शुरू होता है, और ये टर्बाइन से क्या है, जनरेटर जो है जुड़ा हुआ होता है, और जिससे क्या है, इलेक्ट्रिसिटी हम पैदा करते हैं। तो देखिए यूएसए विश्व का सबसे बड़ा भूतापीय ऊर्जा संयंत्र है। ठीक है, इसके बाद न्यूजीलैंड, आइसलैंड, फिलीपींस, मध्य अमेरिका है। ठीक है, भारत में भूतापीय ऊर्जा के संयंत्र हिमाचल प्रदेश के मणिकरण और लद्दाख में पुगा घाटी में स्थित है। यूएसए हैज द वर्ल्ड लार्जेस्ट जियोथर्मल पावर प्लांट फ्लोड बाय न्यूजीलैंड, आइसलैंड, फिलीपींस एंड सेंट्रल अमेरिका। इन इंडिया जियोथर्मल पावर प्लांट्स आर लोकेटेड इन मणिकरम, इन मणिकरम कहाँ है, हिमाचल प्रदेश, एंड पुगा वैली इन लद्दाख। यहाँ भूतापीय ऊर्जा आपको पाया जाता है। अब देखिए ज्वारीय ऊर्जा, तो ज्वारीय ऊर्जा कहाँ, जहाँ समुद्र होगा। ठीक है, तो ओशियन के क्या है, ओशियन जहाँ है उसके मुहाने पे क्या है, ये क्या किया जाता है कि क्या करते हैं, बांध बना देते हैं, और उस बांध से क्या करते हैं, उस बांध से इसमें जैसे छिद्र करते हैं। ठीक है, ये होल रहता है, और क्या होता है, उच्च ज्वार जैसे आया, ज्वार के आने से, ज्वार समझते हैं ना, यानी कि समुद्र में जो पानी है उसका ऊपर उठना और गिरना क्या है, ज्वार और भाटा कहलाता है। तो ये क्या है कि बहुत तेजी से इस वाल पे जो है, यानी कि जो हम बांध बनाए हैं उस पर टकराता है, और टकराने के बाद क्या है, यहाँ तो होल है, इस होल से क्या है, पानी जो है बाहर की तरफ निकलता है। तो इसमें क्या है, एक तो टरबाइन लगा हुआ होता है, तो टरबाइन पे क्या होता है, पानी जो है जैसे इस पे लगा और इसका पंखा जो है घूमना काफी तेजी से शुरू हो जाता है, और उससे क्या होता है, जनरेटर जो है क्या करते हैं, जुड़ा रहता है।
ठीक है, और उस जनरेटर से हम इलेक्ट्रिसिटी पैदा करते हैं। तो ये भी काफी अच्छा है। ज्वार से उत्पन्न ऊर्जा को ज्वारीय ऊर्जा कहते हैं, नाम से ही पता चल रहा है। इस ऊर्जा का विद्वान समुद्र के संकरे मुहाने में बांध के निर्माण से किया जाता है। उच्च ज्वार के समय ज्वारों की ऊर्जा का उपयोग बांध में स्थापित टर्बाइन को घुमाने के लिए किया जाता है। ठीक है, तो वो धक्का देता है ना, बिल्कुल पानी जो है काफी स्पीड में रहता है, इसलिए आता है और टकराने के बाद धक्का देता है, तो वो पंखा जो है ये टरबाइन घूमना शुरू होता है। रूस, फ्रांस, भारत के कच्छ की खाड़ी, कच्छ जो है रन ऑफ कच्छ, गुजरात वाला एरिया जो है, विशाल ज्वारीय मिल के क्षेत्र है। ज्वार भाटा का उपयोग विद्युत उत्पन्न करने में होता है। ठीक है, एनर्जी जनरेट फ्रॉम टाइड्स इज कॉल्ड टाइडल एनर्जी। ठीक है, टाइडल एनर्जी कैन बी हार्नेस्ड बाय बिल्डिंग डैम्स एट नैरो। ठीक है, तो संकरा क्षेत्र में जो है ओपनिंग ऑफ द सीज, ठीक है, ड्यूरिंग हाई टाइड द एनर्जी ऑफ द टाइड इज यूज टू टर्न द टर्बाइन। क्या होता है कि आपको क्या होता है कि जो फ्लो होता है वो टर्बाइन पे जाके टच करता है, इंस्टॉल्ड इन द डैम टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, रशिया, फ्रांस एंड द गल्फ ऑफ कच्छ इन इंडिया हैव ह्यूज टाइडल मिल फार्म। तो आपको ये भी समझ में आया होगा। अब बायोगैस के बारे में देखते हैं। बायोगैस क्या है? बायोगैस मेनली हम लोग बहुत पहले से देखिए हम लोग यूज करते आ रहे हैं। जैसे हम लोग गोबर गैस भी हम लोग जैसे क्या करते हैं कि गोबर या पशुओं का जो भी पशु है, पशु का गोबर है, या कुछ जंतुओं का जो अवशेष है, या आपका पेड़ पौधा है, या घर में जो भी देखते हैं कूड़ा कचरा होता है, मतलब ऐसा नहीं कि मिट्टी का ऐसा भी नहीं है, यानी कि अपशिष्ट पदार्थ जो होता है वो क्या किया जाता है, इस टैंक मतलब डाला जाता है। ठीक है, और उससे जो है तैयार किया जाए। देखिए जैविक अपशिष्ट जैसे मृत पौधे, देखिएगा जंतुओं के अवशेष, पशुओं का गोबर, रसोई के अपशिष्ट को गैसीय ईंधन में बदला जा सकता है, इसे बायोगैस कहते हैं। ठीक है, जैविक अपशिष्ट बैक्टीरिया द्वारा बायोगैस संयंत्र में अपघटित होते हैं, जो कि अनिवार्य रूप में मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड का मिश्रण है। तो मीथेन एक क्या है, बहुत ही खतरनाक गैस है, CH4। मीथेन जो है काफी, और कार्बन डाइऑक्साइड तो है ही, लेकिन मीथेन बहुत ज्यादा खतरनाक है। आप ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट जो देख रहे हैं, ग्रीन हाउस, और इससे क्या होता है कि आपको ये बहुत ही उसको यानी कि ग्रीन हाउस गैस लाने में, बढ़ाने में, उसके स्तर को बढ़ाने में आपको मीथेन गैस काफी जो है क्या है, खतरनाक सिद्ध हुआ है। बहुत तेजी से जो है ये ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन करता है। बायोगैस खाना पकाने तथा विद्युत उत्पन्न करने में सर्वोत्तम ईंधन है। ऑर्गेनिक वेस्ट सच एज डेड प्लांट एंड एनिमल मटेरियल, एनिमल डंग एंड किचन वेस्ट कैन बी अच्छा कन्वर्टेड इंटू ए गैसियस फ्यूल्स कॉल्ड बायोगैस। ठीक है, द ऑर्गेनिक वेस्ट इज डीकम्पोज्ड बाई बैक्टीरिया इन बायोगैस, ठीक है, डाइजेस्टर्स टू इमिट बायोगैस विद द इसेंशियली ए मिक्सचर ऑफ मिथेन। देखिए मिथेन एंड कार्बन डाइऑक्साइड किस किस का मिश्रण है, मिथेन और कार्बन डाइऑक्साइड। बायोगैस इज एन एक्सीलेंट फ्यूल फॉर कुकिंग, देखिए लाइटिंग, प्रोड्यूस ह्यूज अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक मैन्योर ईच ईयर। देखिए तो इसका क्या है, खाना पकाने में और लाइट यानी कि आपको बिजली जलाने में भी हम लोग क्या है इसका उपयोग करते हैं। हम आशा करते हैं कि इस चैप्टर में अगर किसी भी तरह का आपको दिक्कत है, कारण कि चैप्टर में बहुत फैक्ट बहुत ज्यादा भरा हुआ है, ये आपके जो भी एग्जामिनेशन होने वाला है उसमें काफी सहायक सिद्ध होने वाला है, तो आप इसके फैक्ट को देखिए, बहुत ज्यादा समझने वाला चैप्टर नहीं है। ठीक है, अगर फिर भी यदि किसी तरह का आपको दिक्कत हो, किसी तरह का क्यूरी हो, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर पूछिएगा। थैंक यू।